Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to do short question answer of chapter The Rise of Small Kingdom in South India. Okay, so let's be started. जो short question है ऑब्जेक्टिव टाइप से या फिर पॉइंट वाइज आप जब लिख लोगे तो इसे चैप्टर भी अच्छे से लर्न हो जाएगा. देन आपको क्या है शॉर्ट पॉइंट्स जो है उसे आप अच्छे से कवर कर पाओगे. तो इस वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊँगी. So let's be started. Question number 1. Who was the last ruler of Satavahana dynasty? Answer is Vijaya. Next, who was the first ruler of in South India in issue of gold coin? Pulkesin II ने जो था South India में first time जो है gold coin को issue किया था. क्वाइन के रूप में गोल्ड को इशू किया था. नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी? आंसर इज पुलकेशी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी? आंसर इज राम वर्मा कुलशेखरा. ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? आंसर इज सिमुका ने जो है वो सतवाहना डायनेस्टी का तैयार किया बनाया था. विच चोला रूलर्स कैप्चर्ड कांची बाय डिफीटिंग पलवास? आंसर इज आदित्य वन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेयर द थ्री डायनेस्टी रेफर्ड टू एज अ मुनिवेंदर इन संगम पोएम? आंसर इज द चोलास, द चेराज एंड द पांड्याज. तो ये जो था संगम पोयम, इसमें इन तीनों, ये जो थ्री डायनेस्टी थे इनमें जितने भी रूलर्स थे उसके बारे में इसमें बताया गया है. तो वो किस किस रूलर के बारे में बताया गया है? तो द चोला, द चेराज एंड द पांड्याज. हु ब्यूल्ट द फेमस टेम्पल राजराजेश्वरा एट तंजोर? आंसर इज राजराजा वन. अंडर द चोला लैंड रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द ग्राम सभा? ओके, ग्राम सभा. विच वॉज द लैंड गिफ्टेड टू अ टेम्पल कॉल्ड इन अ चोला एम्पायर? आंसर इज तिरुनामुंडकनी. ओके, ये जो था इस टाइम में क्या था कि जो भी चाहे वो अपनी लैंड को एक गिफ्ट के रूप में, इट मीन्स आपको दान जो है वो चैरिटी के रूप में मंदिरों में टेंपल में दे दिया जाता था. तो ये जो था चोला एम्पायर के टाइम में होता था. तो इसमें उसे क्या कहा जाता था? तिरुनामुंडकनी के इस नाम से जाना जाता था जो मंदिरों में ये गिफ्ट के रूप में देते थे. ड्यूरिंग द चोला पीरियड एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स वेयर नोन एज तो नागरम के रूप में जाना जाता है इसे. चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर्स? आंसर इज विजालिया चोला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम ऑफ मिडिल पीरियड? आंसर इज विजालिया. और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल हैड एन अटैच्ड मठ विच वॉज? आंसर इज सोर्सेज ऑफ एजुकेशन. एक्चुअली क्या था कि उस टाइम में एजुकेशन का मेन सोर्सेज जो था वो टेम्पल या फिर मठ में होता था. तो ये सब किससे अटैच था? इट मीन्स ये मेन सोर्सेज था, यहीं पे शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा ग्रहण करते थे लोग. और उस टाइम में ये स्कूल कॉलेज ये सारे तो थे नहीं, ये स्कूल टेम्पल एंड मठ में ही ये सारे शिक्षा दी जाती थी. द चोलाज एम्पायर ऑफ द साउथ इन इमर्ज्ड इन द आंसर इज 9th century AD. तो 9th century में हुआ था. नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ द बुरहानपुर अराउंड 400 ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती? तो रिवर ताप्ती के किनारे जो था ये सिटी तैयार हुआ था जिसका नाम था बुरहानपुर. तो इसे किसने तैयार किया था? नासिर खान फारूकी ने. जिसे नासिर खान फारूकी ने तैयार किया था जो कि ताप्ती नदी के किनारे पे था. ठीक,
ठीक है। होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।